गाइस मैं आपको आज जो कुकस की सारी 5-स्टार होटल्स है उनको दिखाऊंगा, उनको रिव्यू दूंगा, कहाँ पे है वो, कैसे जाते हैं और कैसी होटल्स है। जैसे कि आप देख सकते हो, यह है जानी मानी होटल जो है ताज, जो यह जमशेद टाटा है उनकी होटल है। और यह जो मुंबई में जो ताज होटल है ना, उसी का ग्रुप की होटल है ये, ताज होटल के नाम से जानी जाती है। और ये है अभी 2-3 साल में ही बनकर तैयार हुई है और बहुत ही शानदार होटल है। और ये टक्कर दे रही है कुकस के फेमस जो होटल है ना फेयर अमाउंट, उसको टक्कर दे रही है, द लीला प्लेस सबको टक्कर दे रही है, क्योंकि जाने मानी होटल है भाई, कोई छोटी मोटी होटल नहीं है ये, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसका पावर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे चेक पोस्ट था, ठीक है, और वो चेक पोस्ट हटवा दिया। तो भाई ये होता है लाइफ में, पैसा कमाओ, पावरफुल बनो भाई, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने आप को शक्तिशाली पावरफुल बनाओ, शक्ति पैदा करो अपने अंदर, पैसा कमाओ, शारीरिक शक्ति, पैसा की शक्ति, हर चीज़ शक्ति बढ़ाओ। और आप देख सकते हो यह है ताज होटल जानी मानी, जो अपने जमशेद टाटा ने बनाई थी, और यह होटल बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, आप जैसा कि देख सकते हो। और अपन अब चलते हैं आगे, जो होटल और मिलेंगी तो, ठीक है। और देख सकते हो आप होटल कितना बड़ी होटल है ये। और जैसा कि आप देख सकते हो, यह है ताज होटल का मेन गेट, ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये पीछे है इंदाना होटल, और यह बहुत ही ज्यादा फेमस होटल है, इसको बने हुए 2-3-4-5 साल ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और बहुत ही ज्यादा फेमस होटल है। और मैंने सुना है यह जो अपनी वसुंधरा राज्य है उनका होटल है, जो अपनी मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के। और जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार होटल है, और पीछे इसमें पर्सनल विलास भी है, और बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है आप देख सकते हो। और इसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है, गोल्डन कलर की तरह लगता है, बहुत ही प्यारा डिजाइनिंग है इसकी, ये बिल्डिंग देख सकते हो आप। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जानकारी के लिए, इस होटल में हमारे जो आमेर कुंडा के जो बहुत से लोग हैं हमारे गांव के, उनको रोज़गार मिलता है इस होटल से भी बहुत लोगों को, क्योंकि यह होटल पास में पड़ता है, इस वजह से इसमें बहुत से लोग काम करने के लिए आते हैं, और जिससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है लोगों को, गांवों के लोगों को रोज़गार मिल जाता है यहां पे। जैसे हीरो कंपनी है, उनमें मतलब बाहर के ही लोग लेते हैं, यहाँ के गाँव के लिए नहीं लेते ना, गाँव के नहीं लेते, हीरो कंपनी में लेते। हाँ देखो, इनमें जॉब मिल जाएगी, जो भी भाई गाँव से है, स्टूडेंट है या फिर कोई भी है, तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी बहुत ही अच्छी, 15-20 हज़ार रुपये तक, ठीक है। तो देख सकते हो आगे और भी होटल है, सबका आज करवाए करें, देखते रहना। जैसा कि देख सकते हो, ये कुंदावन गार्डन है, इसमें शादी पार्टी वगैरह सब कुछ होता है ये। जैसा कि आप देख सकते हो, ताज होटल ने चेक पोस्ट यहाँ पे करवा दिया है शिफ्ट, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये दिल्ली टू जयपुर हाईवे है, और इसी हाईवे पे आपको सारी होटल्स मिलेगी, ठीक है, इसी रूट पे मिलेगी सारी होटल्स आपको। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से एंट्री होती है रिको इंडस्ट्रियल एरिया, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये देखिए, ये आगे है लिमिटेड होटल और पैरामाउंट होटल, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली हम पहुँच रहे हैं पैरामाउंट होटल, आप पीछे देख सकते हो, और ये बहुत ही प्यारी है, सबसे यूनिक है, अपने जो कुकस में है सबसे फेमस होटल यही है, और ये 5-स्टार होटल है, सबसे शानदार होटल यही है। इसके अंदर मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, बहुत ही शानदार होटल है, और हमारी तरफ से बहुत से लोग इसमें काम करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और सबसे प्यारी होटल है ना कुकस की, इंडस्ट्री एरिया की, जो पूरा कुकस है उसमें यही है, ठीक है, सबसे पहले की होटल, सबसे पुरानी होटल, सबसे शानदार। और ऐसा कहा जाता है ये अशोक गहलोत है ना, उनकी होटल है, और बहुत ही प्यारी होटल है आप देख सकते हो। और इसका कलर है ना सबसे यूनिक है भाई, मैं पहले इसको सीमेंट की जानता था भाई, इसके कलर नहीं हुआ अभी, और पहले राजेश भाई जैसा कि बता रहे हैं अपने, इसकी सीमेंट का कलर जानते थे, जो सीमेंट आती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके सबसे यूनिक कलर हुआ हुआ है, गाइस पता है मेरे को कब पता लगा था, मैं इसमें मतलब सर्विस मतलब जॉब पे गया था काम पे, तो मेरे को मतलब अंदर से मैनेजर से पता लगा, कभी कभी पार्ट टाइम जॉब करते हैं इनमें, ठीक है, मतलब सर्विस वगैरह, सर्विस वो नहीं, जैसा कि कोई गेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनमें सर्विस करते हैं, जैसे गेस्ट आ गए कोई, उनको रूम तक पहुँचाना, उनका सामान रूम तक
जैसे आप समझ रहे हो प्लेट होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी करते हैं, स्टूडेंट लाइफ है हमारी, ठीक है। और बहुत ही शानदार होटल है जैसा कि आप देख सकते हो, और सबसे शानदार होटल बस में। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये फेरामाउंट का होटल है, ये यहाँ से एंट्री होती है। ये देखिए, ये है एग्जिट गेट है, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो राजेश भाई, एक दिन अपन इसमें ज़रूर चलेंगे गेस्ट बन के। ड्रीम आप लोग ही पूरा कर सकते हो एक लाइक करके, एक लाइक जरूर कर देना। हमारा ड्रीम है इसमें जाने का। और जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी होटल है ये। ऐसा फील आता है जैसे कोई अपन राजा महाराजा है ना कहीं के, वैसा फील आता है इसमें जाने के बाद। और जो लिमिटेड इन होटल है, तो वो अशोक गहलोत की लड़के की होटल बताते हैं उसको, अब ये तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसी की है ये अपने अशोक गहलोत। भाई जा नहीं सकते इनमें, उनके लिए छोटी मोटी होटल्स भी बहुत बनी हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ये देखिए आप एक बार। ये अंदर कुछ चल रहा है दिल्ली मेरिडियन में। तो ये पीछे है दिल्ली मेरिडियन होटल, और सबसे पुरानी होटल कुकस में यही है, जैसा कि आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्यारी होटल है। और इस होटल में एक फॉर्चुनर भी है, लिमिटेडन की है शायद वो, भैया फेरामाउंट की है। जो मेरे बाइक का नंबर है 80 सैम, उसी का नंबर भी बन गया, लेकिन वो टैक्सी नंबर है। तो बहुत ही प्यारी होटल है, और यहाँ पे आप आ सकते हो एज ए गेस्ट। बहुत ही शानदार होटल है, फेरामाउंट की ज़्यादा महंगी नहीं है भाई। इसमें मैं जॉब कर चुका हूँ, फेरामाउंट की ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा होटल है। जो है गेस्ट जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों की एंट्री हो रही है यहाँ। और सबसे शानदार होटल है ये कुकस में, और ये बहुत दूर तक है, पूरा ये खुला हुआ है, और अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई है। राजेश भाई, आप गए हुए अंदर, थोड़ा बताओ इसके बारे में। इस होटल की खासियत ये है कि इसमें जो स्टाफ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टाफ है, और जो खाना बसता है ना यहाँ का, हाँ, वो जाता है गरीबों के पास में। ये हकीकत बात है भाई। यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, अगर ये होटल वाले ऐसा काम। तुम्हारा भाई राजेश भाई इसमें जॉब कर चुका है, मतलब ज्यादा जॉब मैंने इसी में की है, क्योंकि ये होटल का भी अच्छी है। और भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि ये होटल वाले जो खाना बनता है, हाँ भाई बिल्कुल, उसको करीब, और इसमें काफी, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। इस होटल में अपन एक दिन गेस्ट बन के जरूर आएंगे, बहुत ही प्यारा होटल लगा। और जो हमारे आस पास के लोग है ना, स्टूडेंट वगैरह, उनको मतलब अच्छी जॉब मिल जाती है यहाँ पे, 5 टाइम जॉब। चलते हैं नेक्स्ट होटल की तरफ। तू मेरी रीत, मैं तेरा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ का मेरा वीडियो है पहले का, जो उसमें मैंने यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह फेरामाउंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है। तो वो भी देख सकते हो, लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको वीडियो में, आप देख सकते हो, स्क्रीन पे दे दूंगा वो वीडियो, और उसको भी पूरा वॉच करना, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। तो ये साई बाबा का मंदिर मिल जाएगा यहाँ पे, और ये सामने जस्ट पेट्रोल पंप है, और कुकस में यहाँ पे आपको खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह छोटे मोटे, अगर आप मान लो कोई बड़ी 5 स्टार में आता है और ड्राइवर्स के लिए छोटी मोटी होटल लेना चाहता है, तो छोटी मोटी होटल्स भी यहाँ पे बहुत है। और भाई ये है कुकस में अपनी हीरो कंपनी, जो यहाँ पे बाइक्स वगैरह मैन्युफैक्चर होती है। और भाई ये हमारे कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है, क्योंकि यह बाहर के लोगों को रोज़गार देती है, और हमारे गाँव के लोगों को रोज़गार नहीं देती है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि हमारे कोई काम की नहीं है ये कंपनी। राजेश भाई कुछ बताइए हीरो कंपनी के बारे में। देखो ये हमारा वीडियो कहाँ पे भी पहुँच रहा है, तो उन लोगों की, मतलब जो राजस्थान से बाहर है, उन लोगों को मिल सकती है मतलब इसमें रोज़गार। तो देखो ये एक चीज़ गलत है, क्योंकि हमारे एरिया में है ये, तो हमारे लोगों को रोज़गार देना चाहिए। हाँ ये नहीं है कि भाई जो मतलब समझदार है उनको तो देना चाहिए, जिनके पास डिग्री वगैरह है उनको तो देना चाहिए ना, लेकिन उनको भी नहीं देते ये लोग, इसके लिए आधार कार्ड चेंज करवा के फिर ऐसे मतलब ऐसे जॉब मिलती है यहाँ पे। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, यह जानी मानी होटल है द लीला पैलेस, इसका नाम आपने बहुत सी जगह सुना होगा। ये बिग सिटीज़ होती है ना, उन्हीं में होती है, और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस होटल है ये, और वाइट कलर की होटल है पूरी, बहुत ही प्यारी होटल है, बहुत ही शानदार होटल है। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ मैं, इसका नाम पहले था
JW मेरिट, लेकिन किसी कारणवश पता नहीं उन्होंने सेल कर दिया क्या कर दिया, तो उन्होंने इस होटल को द लीला पैलेस वाले ग्रुप ने खरीद लिया। जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उनकी ड्रेस भी बहुत ही प्यारी है, यूनिक है सबसे, और पूरा होटल देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग दी हुई है वाइट कलर में और ब्लू कलर में, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग दी हुई है। और अंदर तो हम जा नहीं सकते, लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जिससे हम इन फ्यूचर में अंदर जा सके। इसमें मैं और राजेश भाई ये अपनी ड्रीम कार गई अंदर, फॉर्चूनर डिजेंडर, ठीक है, आप सबका सपोर्ट रहा तो ये भी आया। गाइस ये वीडियो भी हम मैंने मतलब क्या बताऊँ आपको, मैं अभी वो जो गार्ड है हमारे पास आ रहा था मना करने के लिए, तो वो मतलब उसकी क्या इमरजेंसी आ गई, कोई फोर व्हीलर आ गई थी इसकी वजह से, वो हमें ये बोलता है कि भाई यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहे हो, तो यार उसके लिए अब वो तो देखो कम से कम हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ये, तो अगर आपको कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा ना, मतलब पता तो लगेगा ना जो बाहर के लोग जयपुर के तो जानते हैं जो बाहर के लोग हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना वीडियो को। जो है गोल्ड पैलेस एंड रिसोर्ट है, और ये कुकस का पहला ऐसे होटल है जो साथ में होटल के साथ साथ रिसोर्ट भी है, और इसमें गोल्ड की फिनिशिंग दी हुई है जैसा कि आप नाम देख सकते हो, होता है गोल्ड पैलेस एंड रिसोर्ट, ठीक है। और ये अंदर से बहुत ही प्यारा है, और ये बहुत ही रिसोर्ट टाइप में बनाया है, बहुत ही दूर तक ऐसे फैल के बना हुआ है, बहुत ही जगह में जैसे एरिया वाइज होता है ना, इसमें अक्षय कुमार भी आया हुआ है, और इसमें अक्षय कुमार वगैरह सब कुछ आया है आए हुए हैं, बहुत ही प्यारा होटल है जैसे आप देख सकते हो। और इधर एक पहाड़ी बनी हुई है इस साइड में है, तो अंदर मैं गया हुआ हूँ एक दो बार इसमें, तो वो पहाड़ी जब उधर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं है कि ये होटल कुकस में है, ऐसा बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ पे, बहुत ही शानदार। और इसकी बिल्डिंग है ना जो सबसे यूनिक बनी हुई है, प्यारी ऐसे बिल्डिंग इसकी ज़्यादा ऊँची नहीं है, हाइट में नहीं है, ऐसे फैलाव में है बिल्डिंग, और बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है। और इसकी है ना जो कलर है वो गोल्ड कलर में है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है। इनमें सॉन्ग्स वगैरह भी सूट होते हैं आपको, मैं आपको बता दूं सॉन्ग्स वगैरह फिल्म वगैरह सब कुछ सूट होते हैं। और यह जस्ट द लीला पैलेस जो भी है JW मेरिट उसके जस्ट सामने है, और इसके जस्ट आगे एक और होटल है गाइस, आप देख सकते हो ये डबल ट्री होटल है, बहुत ही शानदार होटल है, और इसकी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ऊँची है, बहुत ही प्यारी होटल है, ठीक है। और इसमें एक बार गया हुआ हूँ मैं इस होटल में, जो ऊपर है ना रॉक टॉप, उसमें ना एक स्विमिंग पूल बना हुआ है गार्डन टाइप में, और बहुत ही शानदार बना हुआ है, बढ़िया डबल ट्री होटल है, बहुत ही प्यारी होटल है, इसमें बिल्डिंग बनी हुई है सबसे फोकस की सबसे ऊंची बिल्डिंग यही है, ठीक है। और ये दहलीला पैलेस है उसका जस्ट सामने है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यह श्रीराम होटल है, कोई जिसको सस्ती होटल चाहिए खाना वाना खाना है जो भी करना है, जो भी लग्जरियस रूम मिलते हैं, जैसा कि कोई ड्राइवर वगैरह छोटी होटल चाहिए जो भी है, मतलब छोटी होटल चाहिए जिनको, वो यहाँ पे मिल जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हो यह डबल ट्री बाय हिल्टन यह होटल है, ठीक है, और देख सकते हो आप बहुत ही प्यारी होटल है यह भी गाइस, ये देख सकते हो आप, ओ यह है राजस्थली होटल रिसोर्ट स्पा, स्पा का मतलब तो आप जानते ही हो, यह होटल के साथ साथ स्पा भी है। और जैसा कि आप देख सकते हो ऐसा कुछ व्यू है इसका अंदर का, ये देखिए बहुत ही प्यारी होटल है यह भी, बहुत ही शानदार है, रिसोर्ट और स्पा दोनों है ये, ठीक है, जैसा कि वो गोल्ड पैलेस है ना, लेकिन इसमें एक खासियत यह भी है इसमें स्पा भी है साथ साथ में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट होटल पे, से विलास के सामने कैफे है, बहुत ही शानदार, नाइट व्यू में आना एक बार, नाइट व्यू बहुत अच्छा है इसका। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यह है से विलास होटल, और यह सबसे पुरानी होटल है यह भी कुकस की, और बहुत ही शानदार होटल है, और इसके अंदर मैं गया हुआ हूँ एक बार, मतलब नीचे है ना ये होटल बनी हुई ना, नीचे है ना एक भी पिलर नहीं है, बहुत ही बड़ा तेखाना बना हुआ है विदाउट पिलर के, और बहुत ही बड़ी होटल है ये, बहुत ही शानदार है, और इसका नाम मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है शिव विलास, क्योंकि इसका नाम है शिव के नाम से, ठीक है। और यह किसी औरत है उसकी होटल है ये, ठीक है, और जो जिसने इंडियन से ही शादी की थी, और बहुत ही प्यारी होटल है जैसे कि इसका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही शानदार होटल है ये, और यह कुकस की जाने वाली होटल है, क्योंकि इसका नाम ही बहुत ही प्यारा है शिव विलास, और इसकी फिनिशिंग थोड़ी गोल्डन वाइट कलर में दी हुई है जैसा कि वो मैंने आपको दिखाया था दहलीला पैलेस JW मेरिट पहले वो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और
कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सी होटल सबसे बेस्ट लगी आपको और कौन सी होटल सबसे बेस्ट लगी, सबसे प्यारी लगी, और वो जरूर बता देना हमें। लव यू ऑल।